कर्नाटक के डॉक्टर राजकुमार को किडनैप किया था वीरप्पन ने। मैंने सोचा कि वीरप्पन की जगह अगर वो हिंदुस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को किडनैप कर ले, वहां जंगल में जाते, उधर गाने सुनते, उसके डांस देखते, मार डाला ले जाते उधर, तो हमारे यहाँ के सारे फिल्म स्टार बर्दाश्त नहीं करते, सारे के सारे गुस्से में आते और जंगल में चले जाते वीरप्पन के सामने माधुरी को मांगने के लिए। सारे कलाकार देखिए बड़े ही गुस्से में जाते वीरप्पन के सामने माधुरी को मांगने के लिए, धमकियां देते हैं, लेकिन जब वीरप्पन की बंदूक देख लेते हैं तो सबके सब ठंडे कैसे हो जाते हैं। ये बड़ा तो प्यारा सा आइटम है। सबसे पहले जाते हैं बड़े ही जोश में, जोश फिल्म के हीरो मिस्टर शाहरुख खान साहब, वीरप्पन से कहते हैं, ए वीरप्पन, वीरप्पन तेरे को कितनी बार बोला रे साला कि जंगल का वो बाजू तेरा, ये बाजू अपन का। अबे उतरे जी ने कहा, उतरे छोड़ने का, इधर काय को आए रे साला, अबे तेरे को कौन बचाएगा कुत्रिया, तू तो खल्लास रे साला, खल्लास खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, वीरप्पन जी आप तो बहुत खूबसूरत है सर, पाय ना दो वीरप्पन, पाय ना दो वीरप्पन, मरे हो को क्या मारते हो यार, ये बहुत मरे हुए आदमी, इसको साइड करो, पीछे कौन है, पीछे देखा एकदम ताकतवर जाट पुत्र सनी देओल, सनी जी आते क्या करते देखिए, अरे वीरप्पन दूसरों को किडनैप वो करता है जो खुद किडनैप होने के लायक नहीं रहता, मेरा 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो हाथ भी उठता नहीं है, इस दुनिया से उठ जाता है, मेरे इन हाथों में कितनी ताकत है ये तो मेरा बाप भी नहीं जानता, और मेरे बाप के हाथ में कितनी ताकत है ये तो मेरी माँ भी नहीं जानती, तेरे कुत्ते देखते रह जाएंगे, तू पिटता रह जाएगा, बहुत मारूंगा तुझे, बहुत मारूंगा। फिर अपन ने बंदूक उठाई, समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है और वो मर्द तू है। सर मैं आज ही अपने पापा से कहूंगा कि एक और मर्द पैदा हुआ है, गुड बाय। बंदूक देके निकल ली। इनके पीछे खड़े थे परेश रावल सर, अपने कॉमेडी और विलन वाले स्टाइल में वीरप्पन को कहते हैं, साला पागल हो गया है, वीरप्पन पागल हो गया है, भगवान ने तुझे शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे कर कुत्ते कभी ने। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, एक वीरप्पन सिर्फ एक लड़की से क्या होगा, 20-25 को मैं भी उठा कर लाया हूँ मेरे भाई, उसे भी छेड़ो, भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। इनके पीछे खड़े थे गुस्से ने किसी कलाकार नाना पाटेकर से, वीरप्पन से कहते हैं, अच्छा है अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया, डांस देख रहा है, धक धक करने लगा, अच्छा है, अब दूर इधर आया, इधर इधर आया, समझा इसको, हाँ जंगल में नाटक नहीं करने का, अन्ना अन्ना की खोपड़ी पीकर फिर गई तो उसके रहने के वादे कर दूंगा, समझा इसको, समझा, अच्छा नहीं कर रहा वीरप्पन तू, अच्छा नहीं कर रहा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। वीरप्पन ने कहा, क्या करेगा बंदूक नीचे करने के बाद, एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। इनके पीछे एक ऐसे कलाकार जिनके घर पर अगर आप जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज्यादा मिलेंगे, नसीरुद्दीन शाह, वीरप्पन से कहते हैं, वो क्या है कि जंगल में किसी लड़की को उठाकर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, हर गुना है, पाप है ये, मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता, मेरी आंखों के सामने ये पाप नहीं हो सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, जैसी बंदूक देखी उन्होंने, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, उसके बाद ये पाप हो सकता है। इनके पीछे थे एक ऐसे कलाकार जिन्हें गुस्सा फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे धर्मेंद्र साहब वीरप्पन के सामने आते कहते हैं, वीरप्पन डाकू की औलाद माधुरी को छोड़ दे, वरना मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने नहीं खाया तो खुद खा लूंगा, माधुरी को छोड़ दे,
नतरा खुद पी जाओ। मेरे पन्ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है, मैं सिर्फ बैक पेपर पीऊंगा। इनके पीछे एक ऐसे कलाकार जिन्हें फ्लॉप फिल्मों का सुपरस्टार कहा जाता है, फ्लॉप फिल्मों का। अब वो आए, कहते हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब, मिथुन दा कहते हैं साइड में आ, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। इधर ही बोलो, उधर आने का नहीं, इधर ही बोलो, क्या बोलने का? चल माधुरी को छोड़ दे, माँ कसम माधुरी को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू, तू क्या करेगा बोल? अगर माँ कसम तूने माधुरी को नहीं छोड़ा ना, तो मेरी आने वाली पिक्चर तुझे दिखा दूंगा। तू मर भी सकता है। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, तेरा पिक्चर देखेंगे नहीं मैं। इसको थोड़ा साइड में करो, पीछे कौन? सबसे आखिर में वीरप्पन के सामने आते हैं हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन मिस्टर जॉनी लीवर साहब। वीरप्पन को देखकर क्या कहते हैं, देखिए जॉनी लीवर। बाबा क्या वीरप्पन को डर के भाग रहे तुम लोग? क्या वीरप्पन, ये इतनी गंदी शक्ल, अबे इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा कैसे हो गया तू? माँ कसम डैमेज भी सकता तू, डैमेज भी। तुझे देख के हंसना तो क्या, रोना भी नहीं आता। अबे इतनी गंदी शक्ल, अबे इतनी गंदी शक्ल वाले वीरप्पन छप्पन, माँ कसम तुझे देख के कोई डर सकता है, इतनी गंदी शक्ल लेके कैसे आ गया तू? अरे बाबा इतनी शक्ल तुमने जिंदगी, गंदी शक्ल जिंदगी में नहीं देखी। अरे बहुत गंदी शक्ल है बाबा, वो देखो गंदी शक्ल। किसने कहा जॉनी भाई वो वीरप्पन नहीं, आईना है जिसके सामने आप खड़े हैं।